कुशीनगर के पूर्व प्रधान मामले में नया खुलासा। गांव के ही पिता पुत्र निकले हत्यारे। बदले की आग में जल रहे थे पिता पुत्र ने रेत दिया था पूर्व प्रधान का गला। पट्टे के जमीन को निरस्त होने और मछली पालन प्रभावित होने से पूर्व प्रधान से नाराज चल रहे थे हत्यारे। कुशीनगर के बहुचर्चित पूर्व प्रधान 22 वर्षीय राम हरख यादव की हत्याकांड मामले में कुशीनगर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उनके साथ हुई घटना प्रतिशोध में हुई थी। गला रेत कर उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव के ही वे पिता पुत्र हैं जो पूर्व प्रधान के कार्यों से बेहद नाराज थे। शुक्रवार को पुलिस ने पिता पुत्र समेत हत्याकांड में सम्मिलित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के निशानदेह पर हत्या के प्रयुक्त धारेधार हथियार भी बरामद हो गया है। आपको बता दें कि खुटई गांव के चैती टोला के रहने वाले रामनाथ केवट का मछली पालन का व्यवसाय है। वो गांव स्थित सार्वजनिक तालाब को पट्टे पे लेकर मछली पालन कर रहा था। करीब 4 माह पहले पूर्व प्रधान ने तालाब का पट्टा निरस्त करा दिया। पट्टा निरस्त होने के बाद रामनाथ को तालाब की मछलियां निकालने से भी रोक दिया। इसी लेकर रामनाथ बदले की आग में जल रहा था। उसने बेटे अनूप संघ पूर्व प्रधान को सबक सिखाने की योजना बनाई। पिता पुत्र ने इसमें गांव के ही चैती गंगिया टोला निवासी व अपने सहयोगी राम मदन चौधरी को शामिल किया। घटना वाले दिन चैती टोला में आयोजित शादी समारोह में पूर्व प्रधान के आने की सूचना पर पिता पुत्र मकसद को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने राम मदन से उनके गतिविधियों पर नजर बनाए रखने को कहा। देर रात जब वो वापस घर जाने के लिए चले तो उसने पिता पुत्र को इसकी जानकारी दी। उधर करबला टोले के समीप पूर्व प्रधान जब पहुंचे तो घात लगाए पिता पुत्र ने उन्हें रोक लिया। वे कुछ समझ पाते उससे पहले रामनाथ ने मछली काटने वाले लोहे के धारेदार हथियार से उनके गले पर पीछे से प्रहार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। शाम को हुई पुलिस ने तीनों को क्षेत्र के लक्ष्मीगंज बाजार के समीप गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पिता पुत्र ने तालाब का पट्टा निरस्त कराने को लेकर चल रही दुश्मनी में घटना को अंजाम देने की बात बताते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। बता दें कि खुटई गांव के पूर्व ग्राम प्रधान की बीते रविवार को देर रात करबला टोले के समीप गला रेत कर हत्या कर दी गई। पूर्व ग्राम प्रधान करीब 7 बजे बाइक से निमंत्रण के लिए घर से निकले। गांव के ही चैती टोला निवासी रामेश्वर कुशवाहा की बेटी की शादी में शामिल होने के बाद अकेले ही घर के लिए चले थे। रात करीब 11:30 बजे करबला टोला के समीप सड़क पर उनका शव खून से लथपथ पड़ा देख राहगीरों ने खुटई चौकी पुलिस को सूचना दी। इस घटना में परिजनों ने 5 अन्य लोगों को नामजद किया था, लेकिन इस खुलासे के बाद कुशीनगर पुलिस ने गांव के ही ओम प्रकाश साहनी, वेदनाथ साहनी सहित 5 आरोपियों को लगभग दोषमुक्त कर दिया है। ऐसे में कुशीनगर के पुलिस कप्तान धवल जायसवाल के इस खुलासे के बाद से जिले में पुलिस के प्रति जनता का विश्वास बढ़ गया है, क्योंकि इस घटना के बाद ही कुशीनगर के एसपी धवल जायसवाल ने कहा था कि इसमें मामले में कोई निर्दोष जेल बिल्कुल नहीं जाएगा। हत्या का खुलासा हुआ है, बहुत ही जटिल थी। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत 23 मई को, जैसा कि आप लोगों को विदित है, पूर्व प्रधान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत रामकोला पुलिस और स्वाट और सर्विलांस टीम ने आज इसका सफल अनावरण किया है और इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 व्यक्ति जो पिता पुत्र हैं, अनुपम साहनी और रामनाथ साहनी, इनके द्वारा हत्या की घटना को कारित किया गया है और साथ में जो षड्यंत्र की जो भूमिका है उसमें राम मदन चौधरी का भी नाम आया है। इस प्रकार से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो आला कत्ल है उसको भी बरामद किया गया है। घटना की जो पृष्ठभूमि है उसके अंतर्गत मत्स्य पालन को लेकर और भूमि को लेकर विवाद की स्थिति इनके बीच थी, जिसके कारण रंजिशवश ये इस घटना को कारित किए हैं। पहले से घात लगाकर यहाँ पर धारदार हथियार से इसकी निर्मम हत्या की गई थी। इसका सफल अनावरण किया गया है और मेरी तरफ से इस सफल अनावरण के लिए पूरी टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है और DIG सर ने भी इसमें पुरस्कार घोषणा की है और उनको रिपोर्ट प्रेषित की गई है। क्या उन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास मिला है? इसकी तलाश की जा रही है, फिलहाल इनका आपराधिक इतिहास नहीं मिला है।